हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टडालाफिल और डैप्सटोन टैबलेट के बारे में। क्या इसका यूज़ होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसकी टाइमिंग क्या होती है। अगर आप भी तरह तरह की टैबलेट इस्तेमाल करते हुए थक गए हैं और आपको तब तक खाते हैं तब तक ही उसका रिजल्ट रहता है और ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट और बेनिफिट होली वाली टैबलेट है। सबसे पहले जान लीजिए कि डैप्सटोन और टडालाफिल आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नामों से मिल सकती है। टडापिल्स, टडाकिल्स और भी अलग अलग नाम से मिल सकती है, लेकिन सबका जो केमिकल नाम होता है, जिसको रासायनिक नाम होते हैं, डैप्सटोन और टडालाफिल। अगर इसकी एमजी की बात करें तो टडालाफिल 20 mg और डैप्सटोन 30 mg आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो अगर आपने पहले कोई भी टैबलेट इस्तेमाल नहीं की है, जैसे मैनफोर्स, वैग्रा या अलग अलग जो टैबलेट होती हैं वो इस्तेमाल नहीं की हैं, तो आप इसको इस्तेमाल संभोग से 2 घंटे पहले करें। आप इसको दूध से इस्तेमाल करें और दूध से इस्तेमाल करने के बाद आप इसका 2 से 3 घंटे का गैप अवश्य लें। आपने देखा होगा कि जैसे आप मैनफोर्स या वेलेग्रा टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो वह इस्तेमाल करने के कुछ ही टाइम 1-1.5 घंटे के बाद उसका टाइमिंग रहता है और उसके बाद आपका शरीर हीट हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डैप्सटोन और टडालाफिल टैबलेट जो होती है, ये आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद में टडालाफिल आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड का फ्लो आपकी पेनिस की ओर बढ़ जाता है, और डैप्सटोन जो होता है ये आपके ब्रेन के हार्मोन्स को संतुलन करता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके ब्रेन से भी इसका काफ़ी कंट्रोल होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें इच्छा नहीं होती या हमारा टाइमिंग कम है, तो ये सब ब्रेन से ही इसका संबंध होता है। टडालाफिल आपके ब्लड में पहुंचने के बाद में पेनिस की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे आपकी संभोग की इच्छा भी बढ़ जाती है और आपके शरीर में कामसूत्र को भी बढ़ा देता है। बात करेंगे इसकी MRP की, तो ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग MRP की मिल जाएगी, लेकिन टडालाफिल 20 mg और डैप्सटोन 30 mg की जो कम्बिनेशन की टैबलेट है, ये आपको 25 से 30 रुपये की टैबलेट आपको मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिना दूध से इसका इस्तेमाल नहीं करें और ज़्यादा लंबे समय तक डेली इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट होती है जो आप इसको खाते हैं तो ये पूरे 72 घंटे आपकी बॉडी में इसका असर रहता है, यानी कि 3 दिन तक ये आपके शरीर में इसका स्टेरॉइड की मात्रा होती है और ये शरीर में रहता है और आपके ब्लड को बढ़ा देता है। जैसे आप मैनफोर्स या और टैबलेट खाती हैं, ये 1-2 घंटे के बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन डैप्सटोन और टडालाफिल टैबलेट जो होती है, इसका आपकी बॉडी में 72 घंटे तक असर रहता है। तो आप क्या होता है, आप अगर डेली सिलिंडाफिल टैबलेट इस्तेमाल करते हुए थक गए हैं, तो आप एक बार डैप्सटोन, डैप्सटोन और टडालाफिल टैबलेट कम्बिनेशन वाली इस्तेमाल करें और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अब बात करेंगे कि क्या ये टैबलेट डेली खा सकते हैं, तो आप इसका डेली इस्तेमाल कभी नहीं करें। और आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके की वीकनेस, कमज़ोरी है, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल एकदम नहीं करें। इसका इस्तेमाल आप संभोग से 3 घंटे पहले इसका इस्तेमाल दूध से करें, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको 1 दिन पहले इस्तेमाल करें। 1 दिन पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में पूरा इसका असर हो जाएगा और आपके ब्लड के फ्लो को भी बढ़ा देगा और आपको वीकनेस और शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया टडालाफिल और डैप्सटोन टैबलेट के बारे में। ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया टैबलेट है, तो एक बार आप इसका इस्तेमाल करें, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।